हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक ऑनर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद हमने रेलवेज ज्वाइन किया। तकरीबन 8-9 साल रेलवेज में काम करने के बाद हमने रेलवेज छोड़ दिया और अभी हमने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जहाँ पे मैं आईटी एंट्रेंस और 9th, 10th, 11th, 12th CBSE मैथ्स एंड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। इसी दौरान मेरे सामने एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी आइडिया आया, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए और जो हम सबको एक बहुत ही बड़े फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। इसमें हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है, न ही कोई आपका कमिटमेंट है, बट एक रिक्वायरमेंट है कि आप इसे बिना किसी प्रीजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने, और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो ये शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये आपके काम करने का तरीका बदल सकता है, ये आपके ज़िंदगी जीने का तरीका बदल सकता है। तो लेट अस से, हम जो काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो करते क्यों हैं? अगर हम बहुत गहराई में जाएं और सीरियसली सोचें तो हमें पता चलेगा कि हम ये सारा काम मनी के लिए करते हैं। और मनी क्यों रिक्वायर्ड है? मनी हमें रिक्वायर्ड है सो दैट कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान और अब तो मोबाइल भी, इंटरनेट, इसकी सुविधाएं दें। इसके साथ साथ कुछ लोग एजुकेशन चाहते हैं, कुछ लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। आप खुद सोचें आप क्या चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा घर चाहता हूँ, बिग हाउस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी कार चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हेल्थ चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ। आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें हैप्पी होने के लिए ही की जा रही हैं। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें चाहिए, और अगर शायद टाइम ना हो तो हम ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। ये जो सर्कल है ये हमारे ड्रीम का सर्कल है, और ये सर्कल बहुत ही बड़ा है। इसके कंट्रास्ट में यहाँ पे हमारा इनकम का सर्कल होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है। और होता क्या है कि इसमें हम जैसे तैसे रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, यहीं पे छोटा सा कहीं पे एजुकेशन, एक छोटी सी कार, एक छोटा सा हाउस, इसको संभालने की कोशिश करते हैं। जब ये इनकम छोटा होता है तो हमारे इस ड्रीम का दायरा छोटा होते 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 वहाँ तक रह जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और एक तरीका ये भी है कि हम अपने इनकम के दायरे को बड़ा करते चले जाएं, जिससे कि हमारे सारे ड्रीम इसमें समा जाएं। कौन सा तरीका अच्छा है हमारे लिए? हम सारे लोग कहेंगे कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है रादर दैन इसके, ये तरीका अच्छा नहीं है। हमारे इनकम बढ़ जाए, हमारे ड्रीम्स सैक्रिफाइस ना हो, हमारे ड्रीम्स का गला ना घोटना पड़े, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब जब बात पैसे की आती है तो हम देखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। लीगली अगर देखा जाए तो पैसा कमाने के लीगल 4 तरीके हैं। या तो आप एम्प्लॉयड होंगे, वो गवर्नमेंट सर्विस हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जैसे कोई लॉयर है, जैसे किसी की कोचिंग की क्लास है, जैसे कोई दुकान पे बैठा है, जैसे कोई डॉक्टर है जिसकी सेल्फ प्रैक्टिस है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 500 लोग होने चाहिए, और अगर 6 महीना भी आपने इसको नहीं देखा तो आपका टर्नओवर
गिरना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, इनके पास 50-100 करोड़ रुपए होते हैं और ये उन पैसों को बाजार में लगाते हैं, किसी स्टार्टअप में लगाते हैं और वो पैसा ही उनके लिए पैसा लेके आता है। अब अगर मैं इसको इधर और इधर तोड़ दूं, दो भाग में बांट दूं और आप अपने चारों तरफ देखें तो जो नंबर ऑफ पीपल आपको दिखाई देंगे वो 95% यहां दिखाई देते हैं और केवल 5% यहां दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें, तो इन लोगों के पास, ये जो 95% है, इनके पास केवल 5% पैसा होता है और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। आफ्टर ऑल बात क्या है, क्या बात है कि इनके पास, इतने लोगों के पास इतना कम पैसा है और इतने कम लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक बात सामने आती है कि ये लोग एक्टिव इनकम वाले ग्रुप के लोग हैं। एक्टिव इनकम मतलब जब तक हम हैं तब तक हमारा पैसा चल रहा है, तब तक हमारी मीटर चल रही है। हम रिटायर हुए, हमने आँख बंद की, ये पैसा आना बंद हो जाता है। एक बिजनेसमैन अगर अपने फैक्ट्री में जाना बंद करता है और उसका बिजनेस बंद हो जाता है तो वो एक्टिव इनकम ग्रुप में है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेस नहीं है। ये लोग जो हैं इधर इधर वाले, ये पैसिव इनकम के ग्रुप के लोग हैं। इनका डायरेक्ट प्रेजेंस इनके इनकम को अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि कई बार इनके लिए कुछ और लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें एक और बड़ी अजीब सी बात है, ये जो लोग हैं इधर वाले, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। ये इन्हें हाउ आता है, कैसे चीज़ें की जाती हैं। जैसे कि इंजीनियर को आता है कि कैसे चीज़ें ठीक की जाती हैं, अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको पता होगा कि कैसे मैकेनिकल मशीन्स ठीक की जाती हैं। एक सिविल इंजीनियर है, उसको पता होगा एग्जैक्टली कैसे ब्रिज बनाना है। एक डॉक्टर को पता होगा एक अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। यहाँ वाले लोगों को इनका हाउ नहीं पता होता है, इनको ये नहीं पता होता है। हो सकता है इनके पास एक स्कूल हो लेकिन ये खुद टीचर ना हो, इनके पास एक लॉ फर्म हो एक लेकिन ये खुद वकील ना हो, इनके पास हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कॉलेज हो लेकिन ये खुद प्रोफेसर ना हो, इनके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो लेकिन ये खुद डॉक्टर ना हो, ये पॉसिबल है। लेकिन इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं वाई। इनको इनका ड्रीम पता होता है, इनको पता होता है कि मुझे ये क्यों करना है। कई बार वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, कई बार वो अपने लिए ही बहुत बड़ा सा ख्वाब देख रहे होते हैं, लेकिन उनका वाई बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर हम देखेंगे कि पैसा आता कैसे है और इनके पास इतना कम और इनके पास इतना ज़्यादा पैसा क्यों है, तो हम देखेंगे कि पैसा जो मनी है वो हमारा रेट गुणा इस टाइम है, रेट गुणा टाइम है। और ये रेट क्या होता है, ये रेट हमारे एजुकेशन से बढ़ जाता है, हमारी शिक्षा से बढ़ जाता है, ये रेट हमारे एक्सपीरियंस से बढ़ जाता है, ये रेट हमारे स्किल से बढ़ जाता है। और इधर वाले जो लोग हैं, ये जो लेफ्ट वाले लोग हैं, ये हमेशा रेट पे काम करते रहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा रेट बढ़ जाए, इसलिए ये अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो साथ में पैरेलली कोई और स्किल, कोई एक और क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं जिससे उनके पैसे बढ़ जाएं। ये जो लोग हैं ये यहाँ पे उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, इनका इंटरेस्ट टाइम बढ़ाने में। जैसे जैसे इनके लिए टाइम बढ़ता जाता है इनका इनकम बढ़ता जाता है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी एक्सपीरियंस ले लें, कितना भी स्किल ले लें, ये हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। और अगर लिमिटेड ये रहेगा, और टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है ही, अगर स्किल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो मनी लिमिटेड हो जाएगा और हम सारी ज़िंदगी फिर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें सब चीज़ें पता है, हमारा स्किल बहुत अच्छा है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर भी हम कहीं अटक के रह गए हैं, हमारी मनी फ्लो जो है वो लिमिटेड हो गई है। अब इसका अगर एक एग्जांपल देखें तो जैसे रिलायंस जियो ने जब
अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए तो तकरीबन 20,000 लोगों को हायर किया जो उसके लिए 10 घंटा डेली काम करते थे और उसके लिए टोटल काम होता था 2,00,000 घंटा पर डे। ओके हम लोग अगर 10 घंटा काम करते हैं डेली और ऐसा 400 दिन करते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर ये किसी के घंटे ज़्यादा हैं तो 10 कर दिया तो इसको बढ़ा दिया, और आप ऐसा 40 साल करते हैं तो भी हमारे पास कितने घंटे आते हैं, 1,60,000 आवर्स पर लाइफ। ये पूरी ज़िंदगी में हमारे पास 1,60,000 घंटे हैं और हमारा रेट फिक्स है इस आदमी के लिए, एक दिन में जितना काम हो रहा है उसका 80% हम पूरे ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि रिलायंस के पास ज़्यादा पैसा है और हम जो यहाँ रेट पे लगे हैं, जो टाइम लिमिटेड करके बैठे हैं, उनके पास पैसा लिमिटेड है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ से यहाँ आना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा रिस्क चाहिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग हैं और वो चाहते नहीं कि आप यहाँ आए, और इसलिए कई बार यहाँ से यहाँ जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इधर के लोग मैक्सिमम इधर ही रह जाते हैं। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि पैसा आता कहाँ से है, इसके पहले कि हम देखें कि हमें कैसे कमाना है, हम देखना चाहेंगे कि पैसा आता कहाँ से है। तो आप अगर देखेंगे, आप अगर गौर से देखेंगे तो पैसा कहाँ से आता है, पैसा नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो यहाँ पे एक कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते ये 40 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो जाती है। ये 100 रुपये की क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग CNF बैठा है, यहाँ पे एक स्टॉकिस्ट बैठा है, यहाँ पे एक रिटेलर बैठा है, यहाँ पे एक एड बैठा है, और एड इन सब जगह पे हो रहा है, और यहाँ से ये कंज्यूमर को चला गया। ये जो 60%, 100 का 60 रुपये यहाँ पे है, ये बहुत ही ह्यूज मनी है, ये इतना ह्यूज मनी है कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन को बनफूल तेल का ऐड करते देखा जा सकता है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को पेप्सी बेचते देखा जा सकता है, यहाँ पे विराट कोहली को कोई प्रोडक्ट बेचते देखा जा सकता है, यहाँ साइना नेहवाल मिल जाएंगी, और कोई भी आदमी जिसका थोड़ा सा भी फ्री टाइम है और वो फेमस है, वो चाहता है कि यहाँ से हम ये पैसा उठा लें। इसी का नतीजा है, और ये जो चंक है, इसमें बहुत सारे जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं वो मैक्सिमम इसी वाले स्पेस में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है, यहाँ पे ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कैपिटल रिस्क और कंपटीशन। अब इसी तर्ज पे एक फैक्ट्री आउटलेट खुल जाता है, वो क्या करता है, 20-30% छूट दे देता है, और ये 60% में फिर भी 30-40% पैसा अपने पास लेके चला जाता है। इसी तर्ज पे हमारे पास बिग बाज़ार आ गया और ये इसने सब चीज़ की फैक्ट्री आउटलेट एक तरीके से खोल दी। इसी तर्ज पे हमारे पास अमेज़ॉन आ गया और अमेज़ॉन के पास कोई अपना शोरूम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, फिर भी वो सब चीज़ें बेच रहा है। और आज के डेट में दुनिया का रिचेस्ट आदमी कौन है, पहले बिल गेट्स हुआ करते थे, आज के डेट में जेफ बेज़ोस हैं जो अमेज़ॉन के मालिक हैं, जेफ बेज़ोस। ये इतना ह्यूज पावर है इस वाले चंक का। हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहीं पे फेसबुक आ गया। हमें लगता है कि फेसबुक कुछ सेल तो करता नहीं है, लेकिन हमारे आपके टाइम का फ़ायदा उठा के वो सब चीज़ें सेल करता है, वो शूज़ सेल करता है, वो घर सेल करता है,
वो स्केट बोर्ड सेल करता है, वो शर्ट पैंट अपैरल्स एवरी डैम थिंग जो आप सोच सकते हैं वो सब सेल करता है। टाटा की कोई प्रॉपर्टी अगर फेसबुक के थ्रू बिक जाती है तो 3% फेसबुक को चला जाता है। फेसबुक के ऊपर 150 करोड़ लोग हैं और अगर वो एक घंटा भी उसको देते हैं तो फेसबुक बैठे बैठे कितना कमा रहा है, 150 करोड़ आवर्स पर डे कमा रहा है। और इसको यूज़ करके वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी को अफेक्ट कर सकता है, वो कहीं का गवर्नमेंट बदल सकता है, वो किसी भी की तरफ किसी चीज़ को पुश कर सकता है, वो ऐड ला सकता है, जहाँ पे लोग होते हैं एड्स वहीं जाती हैं, बिजनेसेस वहीं जाती हैं। ये बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी है। अब जब 1000 से 1200 लोग फेसबुक पे बढ़ जाते हैं तो इसका टर्नओवर तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया बढ़ जाता है। यही वजह है कि फेसबुक हमें आपको सबको इनकरेज करता रहता है कि आप फ्रेंड्स लेके आएं और मैक्सिमम आवर्स आप यहाँ पे स्पेंड करें। लेकिन इस 10 से 12 लाख रुपए में फेसबुक हमारे साथ क्या शेयर करती है? कुछ शेयर करती है, कुछ भी शेयर नहीं करती है। लेकिन एक कंपनी है जो अपने इनकम का 10-12 लाख में से 10-12 लाख में से 1.25 लाख रुपए हमारे साथ शेयर करती है और उस कंपनी का नाम है एमवे। मैं आपको थोड़ा पहले एमवे के बारे में बता दूं। एमवे 1959 में यूएस में बनी और आज के डेट में उसके पास 400 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। इसका बिजनेस अभी 2018 में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का था और ये 120 कंट्रीज में फैला हुआ था। एमवे इंडिया में 1998 में आई 6 प्रोडक्ट्स के साथ। आज के डेट में 2018 में इसके पास 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। पहले साल इसने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। 2018 में इसने तकरीबन 2700 करोड़ का टर्नओवर किया और इसका तकरीबन 60% तकरीबन 1600 करोड़ रुपए इसने यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया। तो हम देखते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसका पहला बड़ा ही सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट। हम जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे न्यूट्रिशनल लेवल भी इतना कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे फूड साइकिल में इतने सारे पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, वो फर्टिलाइज़र हो, वो पेस्टिसाइड हो, वो वीडिसाइड हो। इससे हमें हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँच रही है और हमारी जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम इतना टेंशन ले रहे हैं इससे और इन दोनों की मार की वजह से हमारी बॉडी अब बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जा रही है। तो एमवे क्या करती है, इसके पास अपने तकरीबन 6000 से 8000 एकड़ ज़मीन है जिस पे ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से खेती करती है। इस पे वो बिना कोई केमिकल यूज़ किए हुए फर्टिलाइज़र के रूप में, चाहे पेस्टिसाइड के रूप में या वीडिसाइड के रूप में, एकदम प्योर चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं और उसको अपने पास के ही साइंटिस्ट से, जिसकी वजह से इसके पास 400 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं, इस तरीके से पैक करती है जिससे उसके न्यूट्रिएंट ख़राब ना हो जाएं। उसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी हम रख लेते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो किसी भी पोषक तत्व के क्षय को रोकते हैं, उससे उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको कम नहीं होने देते हैं, सो दैट कि हमें इवन पैकिंग के लिए भी ऐसी चीज़ें यूज़ ना करनी पड़े जो हमें हमारे लिवर को या हमारी किडनी को एडवर्सली बुरी तरीके से अफेक्ट करें। वहाँ से पैकिंग और वहाँ से प्रोडक्ट को लाके हमारे हाथ में दे देती है, एब्सोल्युटली प्योर प्रोडक्ट।
आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत में तकरीबन 88% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमारी जितनी वज़न है केजी में, अगर हमारा वज़न 70 केजी है तो हमें 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम हार्डली 30 से 35 ग्राम भी प्रोटीन नहीं लेते। इसकी वजह से आगे चलकर जैसे ही एज थोड़ा ज़्यादा होता है, हमें सैकड़ों तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, और फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने क्या किया है। ये एक्चुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तकरीबन 78% लोग वाइटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। इससे बोन्स का हेल्थ ख़राब होता है, हम वीक हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। तकरीबन 80-82% लोग वाइटामिन बी डेफिशिएंट हैं। और भी बहुत सारी तरह की डेफिशिएंसी है, ये तो मेजर हैं। इसलिए हमारे पास न्यूट्रीलाइट ऐसी चीज़ें लेके आती हैं कि अगर वो खान पान में उन पोषण तत्वों का हमारे पास कमी हो जाता है तो भी वो इनसे पूरी की जा सकती है। और इसका नतीजा है कि हमारे पास प्रोटीन पाउडर है जो इसको, इसकी क्षति को पूरा करती है। हमारे पास अल्फा अल्फा कैल्शियम है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी है। हमारे पास लिवर के लिए, अगर लिवर किसी का ख़राब हो तो मिल्क थिसल है। अगर जोड़ों का दर्द हो तो, जॉइंट पेन हो तो ग्लूकोजामीन है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीन, ओमेगा 3 और डेली है। न्यूट्रीलाइट डेली बड़ा ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसमें 13 विटामिन्स और 11 मिनरल्स जो हमें चाहिए डेली के रोज़मर्रा के ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो सारी की सारी इसमें मिल जाती हैं। वैसे ही तमाम तरह के रोगों के लिए इसमें हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, और जो एक स्वस्थ आदमी है वो किसी भी तरीके से बीमार ना पड़े उसके लिए सप्लीमेंट्स हैं। एक दूसरा प्रोडक्ट है ब्यूटी का। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक आर्टिस्ट्री जो दुनिया की टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है, और एक एटीट्यूड जो स्पेसिफिकली भारत के लिए बनाया गया है। इसमें प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन हैं कि जैसे लिपस्टिक महिलाएं यूज़ करती हैं, इसमें नॉर्मली लेड मिला होता है जो कि न्यूरो डीजेनरेटिव है, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, और साथ साथ कार्सिनोजेनिक भी है। और अगर लेड हमारे दिमाग में जाके ब्रेन में हैवी मेटल है और रुकता है तो उससे हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ ये किया गया है कि इसमें एक रत्ती भी लेड नहीं डला हो। ऐसे ही इसके तमाम और प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, डिओडोरेंट्स हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट्स के कोटी में आती हैं और जो गोल्ड स्टैंडर्ड से मैन्युफैक्चर की गई हैं। थर्ड प्रोडक्ट है पर्सनल केयर का, जिसमें टूथपेस्ट है, जिसमें शैम्पूज हैं, शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू कम से कम 1800 बालों को एक महीने में गिरने से बचाता है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, हमारे पास सोप है परसोना, और ग्लिस्टर एंड हनी बॉडी लोशन है। ये सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हैं और हमारे स्किन को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं होम केयर के, जिसमें कि ऐसे एक डिटर्जेंट है। नॉर्मली जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, कोई भी मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इससे हमारी नदियों को बहुत नुकसान पहुँचता है। इससे उसमें जो केमिकल तत्व होते हैं, उससे अगर हम हाथ धो रहे होते हैं, अगर हम कपड़े धो रहे होते हैं, तो हमारे हाथ को नुकसान पहुंचता है। और जब वो पानी हमारे नदियों में जाता है तो चूंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो मरीन लाइफ को, जल के जो जंतु हैं उनको भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये बिल्कुल कपड़े को नहीं काटता, ये मशीन को भी नहीं काटता, और हाथों को भी बिल्कुल भी नहीं काटता है। और पर यूज़ अगर कॉस्ट देखा जाए तो बहुत ही कम है नॉर्मल मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से। वैसे ही हमारे पास डिश ड्रॉप्स हैं, जिससे कि बर्तन आप धुल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है,
और बिल्कुल कम पानी में धुल जाते हैं और ऑयल और फैट को बिल्कुल अच्छे तरीके से धुल के बाहर निकाल देते हैं। और अगर गलती से थोड़ा सा रह भी जाता है, नॉर्मली रहता नहीं है, जैसे नॉर्मल जो बाज़ार के प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपको थाली के ऊपर उजला एक परत दिख जाएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और गलती से रह भी जाता है तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हमें हमारे बॉडी के अंदर भी जाके कोई क्षति नहीं पहुँचाता है। वैसे ही एक लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है जो कि किसी भी सरफेस को साफ़ कर सकता है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे फर्श हो, चाहे वो हमारे वॉश बेसिन हो। वैसे ही एक प्रोडक्ट है परस्यू जो ऑलमोस्ट 99.9% बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देता है, और वो यहाँ तक कि HIV वायरस को भी मार देता है, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के भी वायरस को मार देता है। ऐसे ही एक प्रोडक्ट जूम है जो कि कितना भी तेल लगा हुआ, कितना भी ग्रीजी सरफेस हो, उसको साफ कर देता है। बिल्कुल अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इसी सिलसिले में एक आगे प्रोडक्ट निकाला है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिसमें कि तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा और त्रिफला है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खेतों में पैदा किए जाते हैं। तकरीबन 5000 लिटरेचर पढ़ के, कौन सी तुलसी, उसको DNA फिंगर प्रिंटिंग करके, और तुलसी के एक टैबलेट में 100 तुलसी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, जिससे कि हमें एकदम से इमीडिएट रिलीफ होता है। वैसे ही ब्राह्मी है जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, अश्वगंधा नॉर्मल वाइटैलिटी के लिए अच्छा होता है, अगर याददाश्त किसी की कमज़ोर हो रही हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे त्रिफला हमारी डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, किसी को गैस्ट्रिक की शिकायत हो तो उसको अच्छा करता है, उसको ठीक करता है। एक प्रोडक्ट है क्वीन, हमारे घरों में नॉर्मली एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ यूज़ होती हैं, और अगर 2 किलो की कढ़ाई 2 साल के बाद 2.25 किलो की है तो वो 250 ग्राम एल्यूमिनियम हमने खाया है। एल्यूमिनियम एक न्यूरो डीजेनरेटिव मेटल है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, हमारे पेट में वैसे ही रह जाता है, और बाद में हम देखते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक भी है, इससे कैंसर भी होता है। हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील से बना है, मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ, ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील की वो है, ये जो अटैचमेंट्स है वो मैं अभी दिखा दूँगा, ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का है, और इसका जो बॉटम है वो 5 से 7 mm थिक है, जिससे कि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एकदम से हीट होके ये किसी न्यूट्रिएंट को, किसी मिनरल को किल नहीं करता है। इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, अगर आपको स्टोर करना है तो बिल्कुल ऐसे करके ये स्टोर हो जाता है और ये गिरता नहीं है, और जब आप खाना पका रहे होते हैं इसको इसके ऊपर रखते हैं तो जब ये स्टीम आ जाता है तो ये फ्लटर करने लगता है और ये इसके ऊपर घूमने लगेगा, अभी जैसे घूम नहीं रहा है वो बाद में घूमने लगेगा, और इसके घूमने से क्या होता है, उसके बाद जब आप आँच को कम कर देंगे तो ये खुद को लॉक कर लेता है, ऐसे लॉक करता है कि अगर आप इसको उठाना चाहें तो ये साथ में कढ़ाई उठ के आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये ज़ीरो ऑयल में खाना पकाता है, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टीम के थ्रू, चूंकि ये वाइटा लॉक टेक्नोलॉजी है, ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स को, जो वाइटल चीज़ें हैं उनको रोक लेता है, इसलिए किसी चीज़ की क्षति नहीं होने देता है, कम आंच पे पकाता है और जल्दी पकाता है। तकरीबन 500 से 600 रुपया हम महीना बचा लेते हैं इससे, तेल और गैस के थ्रू। अगर 6 अंडे आपको उबालने हों तो केवल 2 चम्मच इसमें आप पानी डालें और इसको वो पकाएं तो ये स्टीम से खुद को पका लेता है। आजकल बहुत हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और नॉर्मली हम लोग नॉन स्टिक वेयर यूज़ करते हैं। नॉन स्टिक वेयर में मैं आपको बता दूं कि एक परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड होता है PFOA, जो कि लंग, किडनी या किसी भी तरह का कैंसर कॉज कर सकता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोडक्ट 30 साल की वारंटी पे आती है, 30 साल की वारंटी पे है। हमारा एक और बड़ा ही अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं विल ओवर वेट।
अगर किसी का वजन बढ़ गया है तो नॉर्मली डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आप डाइटिंग कर लीजिए, लेकिन आपको डाइटिंग करने से क्या होता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है और बाद में जब आप डाइटिंग छोड़ते हैं तो बॉडी और ज़्यादा खाना मांगता है और आपका वेट जितना पहले था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो वाव है वो प्रोटीन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स के सहायता से बिना आपकी एनर्जी को काम किए हुए तकरीबन 3 महीने में 15 से 17 kg वजन कम कर सकता है। हमारा एक प्रोडक्ट है एप्सा 80, ये एक सर्फैक्टेंट है। हम जो भी चीज़ डालते हैं, हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, वीरीसाइड डालते हैं, आजकल किसान डालते हैं, तो ये तकरीबन 30% कम कर देता है पानी के खर्चे को, पेस्टिसाइड को, वीरीसाइड को और फर्टिलाइज़र को। और चूँकि चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती हैं इसलिए 40% उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन में 40% की बढ़ोतरी हो जाती है। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास एक्सेस, जो कि वे प्रोटीन है, इसमें जो दूध से निकाला हुआ प्रोटीन है, और एक एनर्जी ड्रिंक है एक्सेस। जो लोग जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके बॉडी के जो सेल्स हैं बहुत जल्दी टूटते हैं और उन सेल्स को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कहीं हैं और आपको कहीं जा रहे हैं और कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको नींद आ रही है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है और सडनली आपको एक एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो ये एनर्जी ड्रिंक वो काम कर देती है। प्रोटीन की ज़रूरत हम बताते चलें कि सबको है, हम एडल्ट्स को रोज़ हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स टूटते हैं और सेल्स जब रिपेयर होते हैं तो उसको प्रोटीन ही रिपेयर करती है, प्रोटीन और फैट। और इसलिए यहाँ पे ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम देखेंगे कि इवन गैस्ट्रिक, इवन डायबिटीज़ भी जो है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ही कॉज हो रही है। ओके? तो ये है हमारा प्रोडक्ट रेंज। अब हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है तो पैसे आते कैसे हैं। अभी हमने बोर्ड पे देखा कि हमारे क्या प्रोडक्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट्स को सामने से देख लें, टच तो नहीं कर पाएंगे, देख के शायद थोड़ा फील कर लेंगे। ये हमारे आयुर्वेदिक वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे ये त्रिफला और ये ब्राह्मी और ये तुलसी, ये इस तरह के पैक में आते हैं। ये हमारा न्यूट्रीलाइट डेली है जिसके बारे में बोल रहा था, 13 विटामिन और 11 मिनरल जो हमें डेली चाहिए होते हैं वो इसमें हैं। ये सारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हैं। ये जिनसेंग चेरी प्लस है वाइटैलिटी के लिए, ये किड्स के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉन्सेंट्रेट है, ये मल्टी कैरेटीन है, जो कलर्ड चीज़ें हमें चाहिए होती हैं अपने डाइट में, जो कैरेट से आ सकती हैं, वो ब्रिंजल से आ सकती हैं, वो सारी एक सॉफ्ट जेल में डाली हुई हैं। ये सैल्मन ओमेगा 3 है, जो हमारे जोड़ों के लुब्रिकेशन को, हमारा ओमेगा 3:6 के रेशियो को, जो हमारे हार्ट को बहुत ही तंदुरुस्त रखता है, जो हमारे वेट कम करता है, बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल प्रोडक्ट। सॉरी, ये कैल्शियम है, अल्फा कैल्शियम, ये बिलबेरी विद ल्यूटीन है, ये आइज़ के लिए है। ये चेरी आयरन है, अभी इसका मैं वंडर आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी आयरन की कमी होती है। ये कोएंजाइम Q10 है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जनरल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। नेचुरल बी विद ईस्ट है विटामिन बी की डेफिशिएंसी के लिए। ये किड्स च्यूएबल है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है। ये ग्लूकोजामीन है, जो मैं बोल रहा था जोड़ों के दर्द के लिए है। और ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, उसका ये छोटा पैक है, बड़े पैक्स भी आते हैं। और ये किड्स ड्रिंक है, जो चॉकलेट फ्लेवर में है और इसमें बहुत ये हाईली एनरिच्ड है मिनरल्स और विटामिन से, और किड्स को बहुत अच्छा भी लगता है। ये हमारे कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, ये एटीट्यूड के बी ब्राइट हैं, ये आर्टिस्ट्री के एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ये जेल, ये लोशन है, ये क्रीमी मसाज है, ये पॉलिशिंग स्क्रब है, और ये जेल क्लेंसर है, ये आमला ऑयल है, जो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये सारे शैम्पू के रेंज हैं, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, ये किड्स का एक ग्लिस्टर है, टूथपेस्ट है, ये
एक एडल्ट्स के लिए भी टूथपेस्ट आता है, वो ये है, ये एडल्ट्स का टूथपेस्ट है। नेल पॉलिशेस हैं, एटीट्यूड के लिपस्टिक्स हैं, एटीट्यूड के ये बच ये हैंड वॉश है नेचर शावर के नाम से। ये बच्चों का एक सोप अलग से आता है, ये एडल्ट्स का सोप ये है और बच्चों का सोप ये है। और बोथ लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए बहुत अच्छे डीओ आते हैं। काश मैं आपको इसकी महक वो करवा पाता, दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इसका एक माउथ फ्रेशनर आता है मिंट फ्लेवर का, अगर इमीडिएटली 2-3 घंटा में खाए हुए हो गया है और लेट्स से हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगर इसको डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे के लिए हमारा ऑर्डर जो मुँह का है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मिंट जैसा हो जाता है। और ये परसू है जो डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहा था मैं, और ये हमारा वो एनर्जी ड्रिंक है एक्सेस का, 4 के पैक में आता है, बहुत ही अमेजिंग स्वाद है इसका। ये ऐसे एक डिटर्जेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही हाइजेनिक हमारे हाथ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये LOC है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। ऐसे टोटल अगर हम प्रोडक्ट्स लेने को जाएं तो तकरीबन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ होते हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं फॉर गेटिंग अ फील ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, कैसा प्रोडक्ट दिखता है। इसके लिए हमने कंपनी के बारे में जान लिया, हमने प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया, हमने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा देख भी लिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेन पार्ट कि इससे पैसा कैसे बनता है। जैसा कि हमने बताया कि एमवे जो सबसे प्रॉब्लमेटिक काम होता है किसी भी बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग का और यहाँ से पेटेंट के थ्रू एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में ले आने का और बहुत ही प्योर प्रोडक्ट ले आने का, ये काम एमवे का है। तो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सारे तरीके से न्यूट्रिशंस को या कोई भी प्रोडक्ट हो उनके प्योरिटी को बरकरार रखते हुए वो मार्केट में एंटर नहीं करती है, वो लाके ये प्रोडक्ट हमें दे देती है। और यहाँ पे अगर हम बोले कि आप हैं तो यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से एक सिस्टम प्रोडक्ट वाइज एमवे खड़ी है, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे एमवे खड़ी है, ये सारा जिम्मा इसका है। प्रोडक्ट को आपके तक लाना, आपके ख़रीदने पे GST काट के देना और आपके अकाउंट में पैसे पहुंचा देना, ये काम एमवे का है। यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो ट्रेनिंग देने का काम करती है और ये बिज़नेस कैसे होता है, हम में कौन से बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें बताती है। और यहाँ पे हमारे अपलाइंस खड़े होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, वो ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। अब एमवे पैसा 4 तरीके से देती है। पहले तो ये 5-8% तक का डिस्काउंट दे देती है। दूसरा, तकरीबन 8% का ये हमें कैशबैक दे देती है। तीसरा, 6% से 21% का एक हमें कमीशन दे देती है और 6% का रॉयल्टी दे देती है जब ये पैसा हमारे नीचे 10 लाख से ज़्यादा का बिजनेस होने लगे। ये 6% से 21% क्या है ये मैं ज़रा समझाना चाहूँगा। ये जब 10,000 का बिजनेस होता है तो आप 6% पे माने जाते हैं, 50,000 का बिजनेस है तो 9% पे माने जाते हैं, 1,20,000 का बिजनेस है तो 11%, 2,40,000 का बिजनेस है तो 13%, 4 लाख का बिजनेस है तो 15%, 7 लाख का बिजनेस है तो 18%, और अगर 10 लाख का बिजनेस है तो 21% पे आप खड़े होते हैं। अब आप हैं और आप यहाँ आए बिजनेस में और आपने इस बात को शेयर किया कुछ लोगों के साथ, तो लेट्स से हमारे साथ
हमारे साथ 5-6 लोग आ गए, जैसे 6 लोग हमारे साथ आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम सारा प्रोडक्ट लें तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ऐसे प्रोडक्ट जो हम यूज़ करने लगे जिससे हमारा कन्विक्शन बढ़ जाए, और ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास दिखाने के लिए हो, क्योंकि अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास सामने वाले को जिसको हम शेयर कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो तकरीबन अगर हम 30,000 से स्टार्ट करते हैं, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर किसी के पास नहीं है पैसे तो वो थोड़े कम से भी कर सकता है। सो बट हम मान लेते हैं कि 30,000 है, लोग ज़्यादा से भी करते हैं, थोड़ा कम से भी करते हैं, तो बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो ये 30,000 के अगर से 6 लोग आ गए हमारे अंडर, इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पे 30,000 ना हो, इन्होंने 10,000 किया हो और इनके नीचे 10-10 के 2 लोग आ गए हों, तो इस केस में 7 लोग हैं जिन्होंने टोटल बिजनेस किया। टोटल बिजनेस कितना हो गया, 30,000 गुणा 7, 2.1 लाख का। 2.1 लाख का मतलब है कि अभी 2.4 नहीं पहुंचा है, तो हम तकरीबन 11% पे हैं। तो 2.1 लाख का 11%, 2.1 लाख का 11% अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो आ जाएगा तकरीबन 23,100 रुपये। इस 23,100 रुपये में कमीशन ये लोग 30,000 पे हैं, 50,000 अभी नहीं पहुंचे हैं, तो 30,000 6% है, तो ये 1,800 रुपये इन लोगों में कमीशन बांट दिए जाएंगे 6 लोगों में, तो ये हो जाता है 10,800 रुपये। इसमें से जो बचा वो यहाँ आ जाता है, और ये पैसा हो जाता है 12,300 रुपये, 12,300 रुपये यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब मान लिया इन लोगों ने भी, जिनको हमने जोड़ा है उन्होंने भी शेयर किया है, और ये इन्होंने शेयर करते हुए से 6 लोगों से को और बता दिया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे 6 लोग हो गए, ऐसा 6 लोगों के साथ हो रहे हैं तो 36 लोग हो गए, और 6 यहाँ ऑलरेडी थे तो 42 और 43 लोग हो गए। 43 लोग अगर 30,000 का बिजनेस कर देते हैं तो ये तकरीबन 12,90,000 तकरीबन 13 लाख का बिजनेस हो जाता है। 13 लाख का अगर हम 21% जोड़ते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है 2,73,000 रुपये। और जैसा कि 23,100 रुपया यहाँ बढ़ गया था, तो 23,100 यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो 23,100 गुणा 6 तो ये हो जाता है 1,38,000 रुपये, 1,38,600 रुपये यहाँ चले गए, तो यहाँ पे बच गए तकरीबन इतने पैसे। ये पैसा यहाँ इस व्यक्ति को चला जाएगा, यहाँ पे आपको चला जाएगा, यहाँ पे ये 1 लाख इस आदमी को 1,34,000 रुपये यहाँ चले जाएंगे। ये बिजनेस का मॉडल है। अब बिजनेस ज्वाइन कैसे करते हैं? बिजनेस ज्वाइन करना बड़ा आसान है, इसमें ज्वाइनिंग बिल्कुल ज़ीरो है। केवल रिक्वायरमेंट है कि हमें आधार कार्ड का के दोनों साइड का फोटो चाहिए, ज्वाइनिंग भी डिजिटली हो जाती है, हमें पैन कार्ड चाहिए, हमें पैन कार्ड का फोटोग्राफ चाहिए, हमें पासबुक का फोटोग्राफ चाहिए जिसमें अकाउंट की डिटेल्स हो, जिस अकाउंट में आपको पैसा लेना है, हमें मोबाइल नंबर चाहिए, और हमें ईमेल आईडी चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं हो तो वो बनाना बड़ा आसान है, तुरंत बन जाता है। तो ये 5 रिक्वायरमेंट है बनने के लिए। लेकिन हम लोग जिनको खोज रहे हैं या जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं वो लोग हैं जिनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उस आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए,
उसके वो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसमें अपना ड्रीम जिंदा होना चाहिए कि उसे कुछ बड़ा करना है। नंबर टू, वो जो हमने बताया कि उनके पास ड्रीम होना चाहिए। नंबर थ्री, उनके पास वो आदमी टीचेबल होना चाहिए। हम कंसेप्ट को जानते हैं, हम कन्वेंशनल तरीके से कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वही बेस्ट है। लेकिन अगर आप बात समझेंगे कि दुनिया कैसे बिजनेस कर रही होती है तो हमें समझ में आता है। तो इसलिए उस आदमी में ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो नई बात को सुने और क्वेश्चन बेशक पूछे लेकिन वो समझे उस बात को, और समझ के ही शुड हैव द एबिलिटी टू चेंज, उसमें बदलाव होने में बहुत रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमें अच्छा लग रहा है, किसी ने बताया हो और हमें समझ में आ रहा हो, तो वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं, तभी नई आइडियाज़ आती हैं। ऐसे लोग अगर इस बिजनेस में रहते हैं तो उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करता है। मैं बिज़नेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करूँ कि क्यों करना चाहिए बिज़नेस, तो सबसे पहले तो ये है कि ये ओन बिज़नेस है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपको एक डिजिटल नंबर मिल जाता है जो आपका हमेशा के लिए हो जाता है। और आपके नीचे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लेट्स से अगर मैकडोनल्ड्स के पास आप जाएं कि मुझे एक फ्रेंचाइजी चाहिए, तो मैकडोनल्ड्स आपको तुरंत एक फ्रेंचाइजी दे देगा, लेकिन वो आपको फ्रेंचाइजी देने का पावर नहीं देगा। ये फ्रेंचाइजी देने का पावर वो अपने पास रख लेता है। एमवे मॉडल क्यों इनसे बहुत अलग और अच्छा है, ये आपको फ्रेंचाइजी तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ फ्रेंचाइजी देने का पावर भी देता है। आप ये किसी और को दे सकते हैं और आप जिसको देते हैं फ्रेंचाइजी उसके पास ये पावर भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये आपका ओन बिजनेस है और इसी वजह से ये 60 साल से कंटिन्यूस अगर आपका जितना पैसा बन रहा है बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी फजिंग के, वो पैसा पास ऑन करता रहता है एब्सोल्युटली एथिकल तरीके से। जितने एथिकल प्रोडक्ट्स हैं उतने ही एथिकल बिजनेस का पैटर्न है। आपका बिजनेस है, ये लेगेसी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिजनेस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है नीचे अपने अगले जनरेशन को। तो हमने जो भी काम किया है वो सारा का सारा हमारे नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बिजनेस कहीं से भी किया जा सकता है, फ्रॉम एनी वेयर, और आप कहीं भी चले जाएं आपका बिजनेस वैसे ही बरकरार रहता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जिनके 20-20, 30-30 कंट्रीज में काम चल रहे होते हैं और वो किसी एक कंट्री में रह रहे होते हैं। फोर्थ, ये बहुत ही एथिकल बिजनेस है। जो प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि ये प्रोडक्ट्स रियली बहुत अच्छे हैं। जैसे किसी को जॉइंट पेन है और अगर आप ग्लूकोज जमीन देते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग अ बिजनेस आपने एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस किया है, उस आदमी का एक बहुत पर्सनल हेल्प किया है। हैप्पीनेस का बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस है, और बहुत लो रिस्क पे बिजनेस है, लो रिस्क बिजनेस है, बहुत जीरो रिस्क, मैं तो कहूंगा जीरो रिस्क बिजनेस है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के लिए आप पैसा देते हैं वो आपके घर ही आ जाता है, और बिल्कुल लो कैपिटल का बिजनेस है। नॉर्मली लो कैपिटल के बिजनेस का इनकम पोटेंशियल बहुत कम होता है, लेकिन यहां पे ये नहीं है, इसका इनकम पोटेंशियल बिल्कुल इन्फिनिट है। इनकम पोटेंशियल इज वेरी वेरी हाई, और इतना हाई है कि कई बार हमें यकीन भी नहीं होता कि ये इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है। जैसे हमारे ऊपर एक डायमंड है अनुराग जी, जिनके अंडर केवल करीब तकरीबन 400 करोड़ का टर्नओवर है और उनका पर एनम का इनकम अबाउट 15 करोड़ है। अब इस बिजनेस को जानने के बाद कुछ डाउट्स अपने मन में अगर आती हों, उसमें से कुछ मेजर जो डाउट्स आते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें से पहला एक डाउट आता है कि मैं सेल नहीं कर सकता,
तो मैं आपको बता दूं कि ये सेल का बिजनेस नहीं है, ये सेल का बिजनेस ही नहीं है, ये एक्चुअली शेयरिंग का बिजनेस है। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है और हमें इसमें किसी को सेल नहीं करना है, हमें बस बता देना है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है और अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है, कन्विंसिंग आपके यूज़ से ही है, हमारे बताने से नहीं है। एक और ऑब्जेक्शन आता है कि हमारा जो कॉस्ट है ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। देखिए, हमारा जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, जैसा हमारे चारों तरफ हो रहा है कि अगर एक कोई कैल्शियम की दवाई हमें चाहिए तो क्या होता है, वो जैसे ट्रिपल ए कैल एक कैल्शियम की दवाई है, वो 6 रुपए की आती है और हमें 10 मिल जाता है, मतलब 60 रुपए में 10 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कैल्शियम की एक गोली है वो तकरीबन 800 रुपए की है, लेकिन वो 120 है, तो वो भी करीब 650 का पड़ता है, लेकिन 120 गोली होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर आप कॉस्ट पर यूज़ देखेंगे तो ये कॉस्टली नहीं है, इसका कॉस्ट पर यूज़ बहुत ही कम है। वैसे ही जैसे मैं ऐसे 8 की बात करूं तो एक कपड़ा धुलने का अगर कोई मार्केट के प्रोडक्ट का कॉस्ट 60 से 70 पैसा पर कपड़ा आता है, तो ऐसे 8 से करीब 30 से 32 पैसा पर कपड़ा आता है, जो कि बहुत बहुत ही कम है। एक और चीज़ आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी बिजी हैं। जितना टाइम हम अपने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देते हैं और जितना टाइम हम टीवी का न्यूज़ देखने में लगाते हैं, अगर उतना ही टाइम काट के हम ये बिजनेस कर दें तो हम एक लेगेसी क्रिएट करके चले जाएंगे। इसलिए टाइम, नो टाइम का जो कंसेप्ट है ये भी गलत है, और टाइम हम निकालना चाहते हैं तो हम निकाल लेते हैं इन्हीं चीज़ों के बीच से। एक और बड़ी ही हास्यास्पद सा ऑब्जेक्शन हमारे सामने आता है, लोग कहते हैं कि फला ने किया था, हमारी बुआ जी ने किया था, हमारी मौसी ने किया था और उनका नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे IIT का एग्जामिनेशन है, उसमें अगर 6 लाख लोग बैठते हैं तो करीब 10,000 लोगों का होता है, तो 5,90,000 से आप बात करेंगे, वो लोग जिन्होंने नहीं किया या जो किसी कारणवश नहीं कर पाए, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका एक और नज़रिया होता है, लेकिन जो 10,000 जिनका हो गया उनसे बात करेंगे तो उनका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। एक फेलियर के चांसेस तो है ही नहीं। और जो सबसे अमेजिंग बात है इस बिज़नेस की, जो कि शायद किसी भी जॉब, किसी भी बिज़नेस की नहीं है, कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, एनी बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड आपका रहा हो, आपका एजुकेशन कुछ भी हुआ हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, आपने पहले कोई बिज़नेस किया हो और आप उसमें किसी कारणवश फेल हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक ITI पास आदमी भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है जितना एक IIT पास आदमी हो सकता है। यही हमें शेयर करना है, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर। तो अभी हमने बिज़नेस के बारे में सुना, हमने उसके प्रोडक्ट के बारे में सुना, प्रोडक्ट को देखा, अब मैं आपको प्रोडक्ट्स के साथ एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता हूँ इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में और इसके स्टैंडर्ड के बारे में। ये 2 ग्लास हमने लिए हैं, इसमें पानी है जो बिल्कुल क्लियर है, और ये हमारी बॉडी को शो करता है जब वो इनिशियल स्टेट में होती है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है। जैसे जैसे इसमें पॉल्यूटेंट्स आते जाते हैं, वो फर्टिलाइजर से आएँ, पेस्टिसाइड से आएँ, वीडिसाइड से आएँ, वो धीरे धीरे पॉल्यूट होता जाता है हमारा बॉडी। और मैं इसकी जगह पे ये बेटाडाइन लेता हूँ। बेटाडाइन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमने डाल दिया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सेल से, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जब उसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो वो एटम फ्री रेडिकल बन जाता है,
और फ्री रेडिकल बन के वो और भी फ्री रेडिकल बना सकता है, बना देता है, और वो प्रोपगेट हो जाता है। अगर वो प्रोपगेट कर गया तो उससे कैंसर हो सकता है, और अगर वो प्रोपगेट नहीं हुआ तो भी हमारे बॉडी में बहुत तरह की डिजीजेस ला सकता है, वो हमारा बुढ़ापा जल्दी ला सकता है, वो और भी बहुत तरह के डैमेजेस कर देता है। इससे बचने के लिए प्रकृति ने हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं, और नींबू, ऑरेंजेस, मौसम्बी, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर ये जो हमारा बॉडी है, इसको मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ये एक पॉल्यूटेड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें अगर मैं ये नींबू निचोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये वापस एक इलेक्ट्रॉन कर देता है, जो काम ऑक्सीडेंट ने किया था, जो ऑक्सीडेशन ने किया था उसका उल्टा कर देता है, और इसने ये उसको इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए। तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, ये जिसमें हमने नींबू डाला है तो इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, इसका कलर बहुत रिमार्केबली कम हो जाएगा। ये नींबू का असर है ये। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है नेचुरल सी, जो एसेरोला चेरी से बना है, जो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर मैं इसका एक टैबलेट लेता हूँ और इसको मैं अच्छे से पीस के और इसमें डालता हूँ, इसको मैं बहुत अच्छे से पीस के अगर डाल देता हूँ और इसका इम्पैक्ट मैं देखता हूँ तो हमें अभी पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का पावर क्या है। इसको हमने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको स्टर करता हूँ, इससे ये जैसे जैसे घुलेगा वैसे वैसे इसके इम्पैक्ट को कम कर देगा, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये इसको इसके 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 रंग को इसने वापस वैसा बना दिया जैसा ये पहले था। अब अगर ये हमारे बॉडी में है और उसके बाद और भी पॉल्यूटेंट्स आते हैं, आ ही सकते हैं, तो ये उसको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ये इसको भी न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, जो पॉल्यूटेंट्स आएंगी, उनका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उसको ये बिल्कुल नलीफाई कर देता है। ये नेचुरल सी का डेमोंस्ट्रेशन दिखाया हमने आपको। अब हम एक और डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। हम लोग नॉर्मली एक कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, हमने बताया कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अगर मैं कोई भी मार्केट का एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप किसी भी प्रोडक्ट से ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से ये डिटर्जेंट हमारे घरों में यूज़ होते हैं और ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैंने स्टर किया, इसको मैंने एकदम से घुमा दिया, तो इसमें एक अजीब सी चीज़ होती है कि इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिना घुले हुए बैठ जाती हैं। ये फिलर्स होते हैं जो कि इसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, इनका और कोई काम नहीं है। अब अगर इसमें मैं ये हल्दी डालता हूँ तो एक अजीब सी बात होती है कि ये इसका रंग ऐसा हो जाता है, ये शो करता है कि ये इसमें लाइमस्टोन भी डाला हुआ है, राइट। अब हमारा एक प्रोडक्ट है जो SA8 है और ये डिटर्जेंट कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे तो इसकी पहली बात तो घुलने का कोई इशू ही नहीं है, ये कम्प्लीटली वेरी कम्प्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जाता है, इसमें कोई भी चीज़ इसके सतह पे या पेंदे पे आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर मैं इस पर यही हल्दी पाउडर फिर से डालता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका कलर ऐसा हो जाएगा जैसे पानी में हल्दी डालने से होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ डली नहीं है जो इसको एडवर्सली अफेक्ट करे। और इसका कॉस्ट पर यूज़ जैसा मैंने बताया था, इससे इस नॉर्मल किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 के आसपास है।
ऐसे ही एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है टूथपेस्ट। ये मार्केट के कुछ टूथपेस्ट्स हैं। ये एक टूथपेस्ट है, और टूथपेस्ट अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बॉडी के अंदर वो हमारी चली जाती है। वो चली क्यों जाती है? क्योंकि हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो कई बार वो हमारे बॉडी में चली जाती है, और कई बार जब बॉडी में चली जाती है तो क्या होगा कि HCl जो एसिड हमारे बॉडी में है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो ये मार्केट के दो प्रोडक्ट हमने डाले। ये एमवे का प्रोडक्ट है ग्लिस्टर, ये हमने डाला, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है HCl के साथ। अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बहुत केयरफुल हैं, हमारे से तो मेरे पेट में जाता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने खाना खाया है तो 2-3 घंटा के बाद अगर कुछ कण आपके हाथ में रह गए हैं, आपके मुंह में रह गए हैं, तो वो भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो बैक्टीरिया होती है वो एसिड प्रोड्यूस करती है, और वो एसिड से ये रिएक्ट होगा अगर ये आपके पेट में नहीं भी जाता है तो। लेकिन बच्चे अक्सर इसको निगल जाते हैं क्योंकि उनको इसका स्वाद अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, ये आप देखें कि इसके साथ ये कितना तेज़ रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और इसने बिल्कुल इसको फोम सा, बबल सा बना के रख दिया है। मैंने और डाल दिया और रिएक्शन हो रहा है। वैसे ही एक और जो ये प्रोडक्ट हमने डाला था उसके ऊपर भी आप रिएक्शन देख लें, ये बुलबुले से छूट रहे हैं इसके, ठीक है। और ये ऐसे ही कुछ जाके हमारे पेट के अंदर भी होता है। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट मैं यहाँ डालता हूँ और कितना भी डाल दूँ, इससे ज़्यादा ही डाल दूँ, ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बनाया ही गया है ये बात समझ के कि अंदर जाके इसका कोई रिएक्शन ना हो जाए हमारे बॉडी के साथ। इसलिए ये एब्सोल्युटली सेफ है हमारे लिए। प्लस इसको ब्रश करने से हमारे टी और कॉफ़ी के जो स्टेन्स हैं वो चले जाते हैं, हमारी दांतें अच्छे से पॉलिश हो जाती हैं, और ये कभी भी हमारे इनेमल को डैमेज नहीं करता है। अब हम देखते हैं, नॉर्मल हमारे यहाँ महिलाएँ स्पेशली प्रेगनेंसी के समय में या इवन अदरवाइज आयरन की टैबलेट्स लेती हैं। ये एक मार्केट का प्रोडक्ट है जो आयरन का टैबलेट है, और ये हमारा आयरन है जो चेरी आयरन के नाम से आता है। ये चेरी से जो आयरन मिलता है नेचुरल तरीके से, उससे निकाला गया है। अब इसमें इस प्रोडक्ट को मैं निकालता हूँ, और ये कैप्सूल से उसमें है, और इसको मैं इस कैप्सूल को खोलता हूँ। इसको अगर मैं खोलता हूँ और इसके इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास मैग्नेट है, इसके ऊपर मैं मैग्नेट चलाता हूँ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आप देखेंगे कि ये मैग्नेट के ऊपर ये आयरन के पार्टिकल्स थे जो चिपक गए हैं। ये मैग्नेट के ऊपर चिपक गए हैं, ये आयरन के पार्टिकल्स हैं, और इसलिए अगर ये प्रोडक्ट लिया जाए तो डॉक्टर्स मना करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बॉडी सीधा लोहे को पचा नहीं सकती, तो आप वापस कंटैक्ट करें डॉक्टर से। और रीज़न यही है कि हम डायरेक्ट सीधा लोहा हमें दिया जा रहा है कि आप लोहा खाएं। आप देखें इसको, ये देखें, ये है प्रोडक्ट, राइट, ये है प्रोडक्ट, ये सामने इसके लोहा है, राइट। ये एमवे का चेरी आयरन है जिसमें आयरन जो चेरी के अंदर है उससे निकाला गया है, और अगर हम इसको भी मैग्नेट के सामने लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली ये इसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट आयरन नहीं खा रहे हैं। आयरन को एक किसी कंपाउंड के फॉर्म में खा रहे हैं, जैसे पालक में आयरन है, इसका मतलब ये नहीं है कि पालक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, और अगर आप कॉस्ट पर यूज़ देखेंगे तो जितना इसका कॉस्ट बैठता है, इसका कॉस्ट 15 टैबलेट का 130 रुपये दिख रहा है मुझे, जो कि करीब 9 रुपये पर टैबलेट आता है, और ये
ये 947 रुपए का 947 रुपए का 90 टैबलेट है, जो कि 10 रुपए पर टैबलेट के हिसाब से पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज द कॉस्ट पर यूज़ वही है जो मार्केट का है, और क्वालिटी वाइज ये उससे कम से कम मिलियन टाइम्स बेटर है। यही मुझे शेयर करना है आपसे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।